भागलपुर के हबीबपुर थाना क्षेत्र के सकरुद्दीनचक में लहूलुहान स्थिति में तीन बच्चे की मां का लाश बरामद हुआ है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि पति पत्नी के बीच विवाद को लेकर ससुराल वालों ने महिला की हत्या कर दी है। घटना की जानकारी मिलने के बाद स्थानीय पुलिस एवं सिटी डीएसपी अजय कुमार चौधरी घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की छानबीन में जुट गई है। मृतका के परिजनों के मुताबिक मृतका को 60,000 रुपये रखने के लिए दिए थे, वह चोरी हो गई थी। मृतका ने चोरी का आरोप अपने पति मोहम्मद इरशाद पर लगाया था, जबकि मोहम्मद इरशाद का कहना था कि हम पैसे नहीं लिए हैं। इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद चल रहा था। हत्या के बाद पति घर छोड़कर फरार है। मामले को लेकर सिटी एसपी का कहना है कि पति पत्नी के बीच विवाद हुई थी जिसमें हत्या की गई है। प्राथमिकी दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई में जुट गई। क्या हुआ था बाबू? पापा मम्मी को मार दिए थे रात में। हाँ। 12:30 बजे रात में आए थे पापा बाहर से, कवाज जिसमें बनाता है ना सीख में, वही सीख में ना, वही सीख से मार दिए थे मम्मी को माथे पर। कौन, पापा मार रहे थे? जी हाँ। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जब सर से नाक से जब ब्लड निकलने लगा ना। किन का? मम्मी का। जी हाँ। तो फिर पापा भाग गए घर से सीख लेकर। असुआ हबीबपुर थाना क्षेत्र पुलिस को सूचना प्राप्त हुआ कि एक महिला को उसके पति के द्वारा सर में मारकर हत्या कर दिया गया है। इस संबंध में अनंतर कार्रवाई की जा रही है। महिला का पोस्टमार्टम कराया गया है और इनके पति की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है।